अभी हमारा अग्रिम विषय आता है वेदों का विभाजन। वेदों का विभाजन ये हमारा अभी का अगला विषय रहेगा। वेदों के विभाजन के संदर्भ में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जब विभाजन की बात आती है तो आपने एक चीज याद रखनी, वेदों के पहले दो विभाग आपने याद करने हैं। वेदों के सबसे पहले दो विभाग आप याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। एक वो है जो ज्ञान के ऊपर काम करते हैं, जिसको कहा गया है ज्ञान कांड। दूसरे हैं कर्म कांड। एक ज्ञान के ऊपर चलता है, कर्म के ऊपर चलता है। जो ज्ञान के ऊपर चलेगा उसको ज्ञान कांड, जो कर्म के ऊपर चलेगा उसको कर्म कांड। अब ज्ञान कांड पे चलने से क्या होगा और कर्म कांड पर चलने से क्या होगा, ये हमारा अगला यहाँ पे विषय बनता है, ठीक है जी। ज्ञान कांड जो है ये हमें विषय से निवृत्त करवाता है, तो इसको निवृत्ति स्वरूप भी बोलते हैं। और कर्म कांड जो है विषय में हमें लगाता है, तो इसको कहते हैं प्रवृत्ति, ठीक है जी। प्रवृत्ति भी कहते हैं, प्रवृत्ति भी इसको स्वरूप याद रख लीजिएगा। ज्ञान कांड जो है निवृत्त करता है चीजों से, मतलब जब किसी चीज का आपको ज्ञान हो जाए, जैसे सपोज करो आपके सामने आग लगी है। अब आपको पता नहीं कि आग आग का गुण क्या है। आग का गुण है जलाना, तपाना। जब आपका हाथ लग गया एक बार, मतलब आपको ज्ञान हो गया, तो उससे निवृत्त हो जाओगे, फिर आप उसको कभी हाथ नहीं लगाओगे। ऐसे ही होता है ना, यस और नो, यही होता है ना। यस सर जी हाँ, गुरु जी वैसे ही दूसरा स्वरूप है कर्म कांड। कर्म कांड क्या है, चीजों में प्रवृत्त करता है। ये करोगे तो ये फल होगा, ये करोगे तो ये फल होगा। तो वेद हमें दोनों ही प्रकार की चीजें दिलवाता है, ज्ञान कांड भी और कर्म कांड भी। कर्म कांड के माध्यम से हम ज्ञान तक भी पहुंचते, ये भी कह सकते हैं। और जो दार्शनिक जो हमारी अवस्था है वेदों के अंतर्गत, जो दर्शन स्वरूप है, ईशावास्य उपनिषद है, तैतिरीय उपनिषद है, जो उपनिषदों में कही हुई बातें हैं, उनके ऊपर ज्ञान के ऊपर अगर हम चलेंगे तो स्वतः ही निवृत्त हो जाएंगे, इस संसार में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दर्शन का यही तो मूल उद्देश्य है, ठीक है जी। तो ये दो विभाग वेदों के कहे हैं, एक ज्ञान कांड, एक कर्म कांड। निवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रयोग आप साहित्य में भी करेंगे, ये भी आप याद रखिए। उस समय आपसे पूछूंगा मैं, निवृत्ति का अर्थ क्या होता है, प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है। अब चलते हैं वेदों के विभाजन की तरफ। एक वेद है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है आपस्तंभ श्रोत सूत्र है, यहाँ पे आपस्तंभ आपस्तंभ श्रोत सूत्र। ये जो श्रोत सूत्र है ये सबसे पहले, ये कहाँ का है, ये अर्थ है ना, कृष्ण यजुर्वेद का है ये, कृष्ण यजुर्वेद का है ये। इसके अंतर्गत सबसे पहले वेदों के विभाजन के रूप में कहा है कि वेदों के विभाजन के दो भेद कहे इन्होंने, दो भेद। इसके लिए इन्होंने एक प्रमाण दिया है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेदनाम ध्येयम्। मंत्र ब्राह्मणी और वेद नाम ध्येयम्, ये पंक्ति कही है। एक मंत्र, एक ब्राह्मणी, ब्राह्मण आदि, इन दोनों के समन्वय को ही वेद नाम दिया गया है, इन दोनों को ही वेद कहा गया है। आपस्तंभ श्रोत सूत्र कहता है कि वेद दो है, सीधा सीधा दो भेद, मतलब संख्या दो है। वेद कितने हैं, दो। एक है मंत्र, एक है ब्राह्मण। याद रख लोगे आपस्तंभ श्रोत सूत्र के अनुसार वेदों के कितने विभाजन है, दो। वेदों की संख्या दो, एक मंत्र एक ब्राह्मण। मंत्र ब्राह्मणी और वेद नाम ध्येयम्, मंत्र और ब्राह्मण को ही वेद की संज्ञा दी है। किसने, आपस्तंभ श्रोत सूत्र ने। अब हमारे पास प्रश्न उठ गया कि मंत्र क्या है। कर्म कांड में प्रयोग होने वाले मंत्र ही मंत्र कहलाते हैं, यही है ना, यही है। कर्म कांड विधि में जो मंत्र हम प्रयोग करते हैं वही मंत्र है। अब इसके लिए कुछ परिभाषा स्वरूप भी है, वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, मोनू जी फ्रॉम सोलन, मोनू जी फ्रॉम सोलन, आवाज आ रही है मेरी, शायद आवाज नहीं आ रही है इनको। हाँ जी बताओ महाराज, कोई भी मंत्र की परिभाषा है आपको बताइए जो पूर्व में है। मंत्र क्या है, मननात इति मंत्र। हाँ, हाँ एक तो यही है, मंत्र हाँ, मननात मंत्र, कि जो आपके मन से वचन स्वरूप निकले, जो मन से, मननाथ, रामात, देवात, अपादान से जुदाई, अलग होना,
मन से जो बाहर आए स्वरूप में, जो कहे हुए वाक्य स्वरूप, वही मंत्र है। पहली चीज तो यही है कि जो आपके मन से किसी देवता के प्रति जो आपके शब्द निकले वही मंत्र है। कोई ये नहीं है कि नहीं उनके लिए पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया रखा है कि यही शब्द बीच में आने चाहिए तभी मंत्र होगा। ना, बोला मननात मंत्र, मन से निकलने वाले देवता के प्रति जो निकलने वाले शब्द हैं वही मंत्र कहलाते हैं। सुबह जब कक्षा समाप्त होने लगी थी तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि मीमांसा ने वेद के कितने भेद बताए हैं? पांच पांच। पांच कौन कौन से बताए थे? कौन से बताए थे? हाँ, विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद। मीमांसा ने कहा वेदों की संख्या पांच है, उसमें दूसरे नंबर पे आया था मंत्र, वो यही मंत्र है। अब वहां पे इन्होंने मंत्र की परिभाषा दी थी, प्रयोग, म्यूट कर लो किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लो, अभी म्यूट नहीं किया। प्रयोग समवेतार्था समारकाः मंत्र, प्रयोग समवेतार्था समारकाः मंत्र। प्रयोग मतलब प्रयोग में लाना, प्रयोग का अर्थ क्या है? प्रयोग में लाना। समवेतार्थ जिसके प्रति अर्थ, जिससे आप अर्थ चाहते हैं उसको याद करने के रूप में जो आप वाक्य प्रयोग कर रहे हैं वही मंत्र है। मतलब स्तुति के रूप में मान लो, या किसी अर्थ की प्राप्ति के लिए जिसको आप याद कर रहे हैं उसके लिए जो प्रयोग होने वाले, उसकी याद में जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं वही मंत्र है। अब बारिशें हुई तो शिव को कईयों ने याद किया, कईयों ने इंद्र को याद किया, तो वो क्या था? उसके निमित्त जो आपने शब्द प्रयोग किए वही क्या है? मंत्र है। तो मंत्र की परिभाषा प्रयोग समवेतार्था स्मारकाः मंत्रः। तो ये परिभाषाएं हैं दो मंत्र की। ये परिभाषा कहाँ आई है? मीमांसा के अंतर्गत, मीमांसा के अंतर्गत ये परिभाषा है, प्रयोग समवेतार्था स्मारकः मंत्रः। और ये विद्वानों के अनुसार कही गई बात है मननात मंत्र। दोनों परिभाषाएं याद हो गई, समझ गए सभी? आगे चलें, सर। बोलिए जी, चलते हैं अब आगे। जी गुरु जी। जी अब देखो आगे कहा है, मंत्र ब्राह्मणी और वेद नाम ध्येयम्। तो यहाँ पे हमने मंत्र के विषय में जान लिया। अब क्या हुआ, काल क्रम के अनुसार जो ऋषियों ने मंत्र आदि निर्माण किए या फिर जो देवताओं के निमित्त उन्होंने शब्द आदि प्रयोग किए, उन शब्दों को एक जगह उन सबने इकट्ठा किया। तो जो एक जगह इकट्ठा करके आपके, मतलब उनके पास जो एक संग्रह बना, एक कलेक्शन बनी, एक ग्रंथ बना, उसको इन्होंने कहा संहिता। क्या कहा? जहां पे मंत्रों का संग्रह पूर्ण हुआ, मंत्रों का संग्रह मतलब एक जगह सारे के सारे मंत्र इकट्ठे हो गए, तो इन मंत्रों के संग्रह स्वरूप को ही संहिता कहा गया। क्या कहा गया? संहिता। जहां पे मंत्र आदि इकट्ठे किए सारे के सारे, उनको एक बुकलेट में इकट्ठे कर दिया, एक ग्रंथ में इकट्ठे कर दिया, उसी को ही नाम दिया गया संहिता। तो मंत्रों का संग्रह क्या कहलाया? संहिता। समझ गए इस चीज को? आगे चलें।